दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं फेस ऐप और अपने बुढ़ापे की फ़ोटो देखना पसंद कर रहे हैं फेस ऐप पे, आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फेस ऐप को, लगातार आप अपना ज़्यादा टाइम फेस ऐप पर बिता रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो हो सकती है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि फेस ऐप के बारे में आपको ये चीज़ ज़रूर जान लेनी चाहिए कि क्या फेस ऐप आपके लिए सेफ है या फिर नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये हम जैसे टीनएजर्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप हो रहा है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इसी ऐप के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टेक टेक्निकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टीनेजर में पॉपुलर ऐप फेस ऐप आजकल जो है हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा भा रहा है। हम लोग अपने जो है बुढ़ापे की या फिर अपने जो आने वाले फ्यूचर की पिक है उसको देख देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, और इसी के चलते हम ये गलती कर देते हैं कि हम उस पर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारा अपने फ़ोटो अपलोड करना फेस ऐप पर ठीक है या फिर नहीं है, तो आज इन सभी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर कोई आज के टाइम में फेस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई ज़्यादातर सोशल मीडियाज पर इन फेस ऐप के पोस्ट हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है आजकल। हर कोई अपनी फ़ोटो फेस ऐप के थ्रू बनाकर सोशल मीडियाज पर अपलोड कर रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो फेस ऐप है ये एक रशियन ऐप है जो कि रशियन के द्वारा डेवलपर के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, इस ऐप के जो है नुकसान बताए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में पढ़ा था और अभी तो अखबार में भी आ गई थी इसके बारे में कि जो फेस ऐप है उसका इस्तेमाल आप ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि जो फेस ऐप है जो फेस ऐप काम करता है AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसके अंदर AI टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में AI टेक्नोलॉजी आजकल देखने के लिए मिलती है, जैसे कि फेस अनलॉक पे आपका जो होता है वो AI टेक्नोलॉजी ये होती है जिससे आपका जो फेस होता है वो अनलॉक हो पाता है, यानी कि जो AI टेक्नोलॉजी का काम होता है वो आपके फेस के जो बनावट है उसको कैच कर लेती है, उसको पकड़ लेती है और उसको अपने अपने जो मेमोरी है उसके अंदर सेव कर लेती है आपकी बनावट को। तो उसी तरह से जो फेस ऐप है वो भी वैसे ही काम करता है। वो सिंपल आप क्या करते हैं, जब आप अपनी पिक लेते हैं फेस ऐप के थ्रू, तो वो AI टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके फेस की बनावट को कैप्चर कर लेता है और उस पर जो भी बेस्ट फिल्टर बैठता है वो अप्लाई कर देता है। तो दोस्तों, ये तो नहीं कि फेस ऐप की यूज़ करने की बात, अब नहीं कि हम इसे यूज़ क्यों ना करें। तो जो फेस ऐप है, जब आप अपनी फेस ऐप पर पिक अपलोड करते हैं, फोटो लेते हैं, तो वो तुरंत उनके सर्वर पर अपलोड हो जाती है, यानी कि वो जो आपकी पिक है वो उनके जो डेवलपर के जो सर्वर है उनके पास पहुंच जाती है। जो फेस ऐप की टीम होती है वो आपकी जो हर एक हरकत को नज़र रखी होती है, आपकी हर एक हरकत को देख रही होती है कि आप अपनी फोटो के साथ क्या कर रहे होते हैं। तो जो जो कि एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि फेस ऐप का जो रशियन जो टीम है वो गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती है। तो अमेरिका ने तो खास तौर पर इस पर जांच बिठाई है इस ऐप ये देखने के लिए कि क्या ये ऐप सही है या फिर नहीं है। तो जो अमेरिका का कहना है कि ये जो ऐप है वो आपकी जो फोटो है जो अपलोड करते हैं, तो वो आप जो रशियन टीम है जो इसके जो डेवलपर है वो आपके इस फोटो का जो आपके पिक अपलोड किए अपने पर्सनल चीज़ें हैं वो तक जान लेते हैं और आपकी जो फोटो है उसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी फ़ोटो है वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वहाँ के लिए या फिर और द वर्ल्ड कहीं भी हो सकता है। तो ये होती है जो दोस्तों आप चाहेंगे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो आप तक ही सीमित रहे, कि बिना पूछे दोस्तों आपकी फ़ोटो कहीं भी आपके पूछे बिना फ़ोटो अपलोड हो जाए। तो ये फेस ऐप का जो है वो काम मेन मेरे को तो ये लगता है देखने के लिए। बाकी तो जो टीम है वो इंडिया की है, अमेरिका की है, अभी दोनों से भी देश की टीम है वो इस ऐप के ऊपर जांच बिठा रही है, वो इस ऐप के हर एक चीज़ को जांच पड़ताल कर रही है कि क्या ये ऐप का इस्तेमाल करना सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ये पहले भी हो चुका है, अमेरिका के जो नागरिक है उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो दूसरे देशों के पास पहुँच जाती है। क्योंकि दोस्तों बहुत से यूज़र ऐसे होते हैं कि किसी की ऐप पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं जो कि हानिकारक हो सकता है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है, और सेम यही फेस ऐप के थ्रू भी हो रहा है। कई न्यूज़ चैनलों में भी और कई न्यूज़पेपर में भी फेस ऐप के बारे में बताया जा चुका है कि फेस ऐप एक तरह का एक डेटा रिसोर्स है जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे देशों तक पहुंचाती है, यानी कि रशियन जो कि ये ऐप है जो बनाने वाले हैं वो वहाँ तक आपका डेटा उनको पहुंचाती है, जो कि आपसे बिना पूछे आपकी पर्सनल डिटेल्स उन तक पहुंच जाती है, और वो इस डिटेल का कहीं भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप लिहाजा नहीं चाहोगे। तो
दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस फेस ऐप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ना करके कम से कम करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में होती है। तो दोस्तों ये था मेरा एक वीडियो फेस ऐप के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहे, आबाद रहे और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल्स। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ या फिर एक नए ब्लॉग के साथ।